नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज शर्मा है। तो आपको हम दिखाते हैं मॉडल किचन, ओपन किचन है और इसमें हमने नीचे पर प्रोफाइल लगाया और नीचे बनाया बिना हैंडल, बिना हैंडल का हैंडल लेस हो गया। तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको दिखा रहे सीधा इस तरफ से नीचे। तो इसमें देखिए लगाए DPO, दो सेल वाले हैं। इसमें आप देख सकते सामान क्या रखा हुआ है, बताने का आपको जरूरत नहीं है। डब्बे आ जाएंगे, प्रोफाइल हैंडल लगा हुआ है। इसमें जो देख रहे हैं समय का जो लगा हुआ है, हाई ग्लॉस का, बिल्कुल हाई फिनिश, कपड़ा मारो आराम साफ हो जाता है। इसके नीचे हो गया प्लेन बास्केट मल्टीपर्पज। जब भी आप किचन खोलते हैं ना, कोशिश करें पूरा किचन का बास्केट पूरा खोलें। क्या करते हैं आप लोग, आधा खोलते हैं, सही खुलता नहीं है। ये भी हो गया मल्टीपर्पज प्लेन बास्केट, ये पूरी वायर वाली है। ये भी PPO है, ये तीन सेल वाले हैं 8 इंच का। जैसे आपको पता, जहाँ पे चिमनी होता है, चिमनी नीचे चूल्हा होता है, उसके नीचे कटलरी होता है, चाकू छुरी कच्ची कुर्सी रखने के लिए, इसे आप देख सकते हैं। उसके नीचे हो गया कप सॉसर, छोटे प्लेट गिलास कप रख सकते हैं आराम से आप। इसमें लगा इनवर्टिक बास्केट, ये थोड़ा होता है साउंड लेस, इसमें आवाज़ नहीं आती है। इसमें मतलब बर्तन रखने के लिए, बड़े बर्तनों के लिए होता है। और हो गया कॉर्नर, आप इसे देख सकते हैं, हमने कोने में पल्ला लगाया सिंपल, अगर लगाते हैं इस कॉर्नर में ज़्यादा सामान नहीं आता है। हमने अंदर एक सेल्फ लगाए और बाहर से 17 पल्ला है। जैसा किचन बनाते हैं कोशिश करें कि जो बर्तन का होता है, थाली का प्लेट का, सिंक का साफ ही रखें, जैसे कि धोएं आराम से, यहाँ साइड में रख दिए, कभी निकालना हो आराम से निकाल के। ऊपर हो गए प्लेट और नीचे हो गए थालियों के लिए। अगर हमने नीचे इस्तेमाल जो किए हैं, पूरा प्लाईवुड सारा PVC है, तो पानी भी गिरेगा इसमें, फिर PVC ख़राब नहीं होगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि PVC कारण, मतलब प्लाई कारण, नीचे वाला और पीछे वाला हिस्सा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने पीछे लगाए ACP और नीचे लगाए PVC। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये पूरा फुल PVC है, इसमें हर जगह उनको पानी भी गिरेगा इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पल्ला जो हमने बनाया है प्लाईवुड का, इस देख देख सकते, इसमें कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है, बिना हैंडल के यहाँ पे अभी आरो फिट होना, तो इसके ऊपर गीजर आएगा। यहाँ हमने अंदर कुछ लगाया, जैसे बाहर वाहर से बंद, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सल्फे लगाए हैं, तीनों दो सल्फे, ये फिक्स नहीं है, मतलब तीन खाने हो गए। तो आप क्रोकरी का सामान रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कोने वाले इस तरह रखते, ये भी सल्फे फिक्स नहीं किए हैं। हम जो कोना बनाते हैं सिंगल पल्ला बनाते हैं, क्योंकि बाद में पल्ला का दोनों पल्ले इकट्ठा कर दो ना, फिर पल्ले गिर जाते हैं बाद में, इसीलिए हमने दोनों पल्ले अलग अलग रखे हैं। और चिमनी के दोनों साइड जो होते हैं पल्ले, इस तरह खुलना चाहिए, जैसे कि किचन आप काम कर रहे हैं, अब फटाफट कोई सामान निकालना हो, चलो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें दो खाने होंगे, तीन खाने होंगे, दो सलाद, इसमें हमें दो खाने एक सलाद, थोड़ा एक बड़ा रखें एक छोटा रखें, सबको बड़ा सामान छोटा सामान आराम से रख सकते हैं। अगर हम पल्ला इस तरफ लगाते हैं तो ये पल्ला बिल्कुल सामने आ जाता है, इसीलिए हमने पल्ला इसको एक तरफ लगाए एक इस तरफ लगाए, ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो जाए। और इसको लगाए इस तरह, दो छोटा बड़ा हमने इसलिए लगाया कि कभी बड़ा सामान रखना हो तो इसमें बड़ा सामान रख सकते, ऊपर छोटा रख सकते हैं। ये पूरा छत तक बना हुआ, ऊपर जो हम लाइट लगाए 1 इंच का 2 इंच का 1 इंच का आता है ऊपर लाइट 2 वाट का, और एक पूरी इसमें टाइल लगा हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ गिरनाइट लगा हुआ है, ये पूरे 4x2 की है। लोग पूछते हैं यहाँ पे कितना हाइट होना चाहिए पत्थर से ऊपर जो बक्से होते कितनी हाइट, हम बोलते हैं कि होनी चाहिए 2 फुट। और आपको चिमनी चला दिखाते हैं, देखिए एक ये बिना मतलब टच किए आपको स्पीड देखो, ये 2 बार 3 बार और सेंसर वाली है,
एक बार बंद हो गया, तो अब आपको हम ऊपर का भी दिखाते हैं। ऊपर का जो पल्ले बनाया है वो भी नीचे वाला कलर ऊपर कलर सेम रखे हैं, अब बीच में रखे व्हाइट का थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा, इसे आप देख सकते हैं। जैसे वो देख सकते हो वहाँ से थोड़ा कट है, वहाँ पे हमने चिमनी का पाइप निकाला हुआ इस तरफ से इसके बाहर, तो चिमनी का पाइप जब दिखता है ना किचन का सारा लुक खराब हो जाता है, इसी कारण से चिमनी का पाइप छिपा दिया हमने। ऊपर जो लाइट लगा हुआ है छत के साथ, ऊपर जो लाइट के कारण थोड़ा अंदर दिखता नहीं है। हम दिखाते हैं चिमनी किस तरह कवर किया वो भी दिखा देते हैं, छिपाते नहीं हम लोग कुछ। देखिए हम लोग जो चिमनी का पाइप है इस तरफ से ऊपर नीचे प्रोफाइल इस्तेमाल किया हुआ है हमने, और जैसे नीचे बना हुआ बिल्कुल सेम ऊपर ही बना हुआ है। ऊपर तक किचन बनता है तो इसका फायदा होता है सामान काफी आ जाता है, ऐसे इतना सामान नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। ऊपर गीजर भी का लगा हुआ है, अब आपको बताते हैं इसमें कितना खर्चा आया किचन में। तो हमारे जो किचन किचन का जो है हमारा मतलब प्लाई बोर्ड का जो भी काम आया इस तरफ हमारा जो भी मतलब वो 3 के आसपास लगा, 3 लाख के आसपास अगर पूरा देखते हैं मतलब टाइल जो होता है इसमें गिनाइट सिंक जो भी लगा है इसका फिटिंग प्लम्बर का सारा खर्चा है 4 लाख। तो अगर आपको रेट करता कर रेट कितना कितना खर्चा आया तो मोटा मोटा 3 लाख हमारा खर्चा आया, बाकी 1 लाख रख लीजिए टाइल टाइल पत्थर पत्थर जो भी प्लम्बर का काम आया बिजली का काम आया। तो अगर आप जम्मू में रहते हैं तो आप हमसे काम करवा सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम दिखाते हैं हमने बाहर से ओपन किचन बनाया, दिखा सकते हैं यहाँ से ओपन है, इसको हमने पैलमेंट किया हुआ है। अगर हम यहाँ तो कुछ बना सकते लेकिन किचन छोटा छोटा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा इसको पूरा सिंपल रखे हैं, इन ऊपर लाइट लगा दी। और इसकी साइज ज़्यादा बड़ी किचन बड़ी नहीं है, मीडियम साइज का किचन है। तो इस तरफ से मेरा है मोटा मोटा रख लो 9 फुट है, इस तरह से मोटा मोटा साफ होता है, ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है। लेकिन ओपन किचन करने से फ़ायदा हुआ कि वो थोड़ा बड़ा दिखता है, अगर किचन में दरवाज़ा लगा देंगे फ्रिज लगा देंगे तो किचन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसलिए हमने उनको बड़ा फ्रिज थोड़ा अलग ही रखो, तो पहले से अलग ही रखे थे। आप कोशिश करें किचन में जब भी आप जिस तरफ चूल्हा होता है उस तरफ आपका सिंक ना हो, क्योंकि जूठा बर्तन फिर चूल्हे का पानी चला सारा मिक्स हो जाता है, इसीलिए चूल्हा रखें अलग। बाकी इनका जो गैस वाला जो सिस्टम है बाहर रखा हुआ है, यहाँ पर ऑन करके सारा कनेक्शन किया हुआ है गैस के लिए अलग से, देख सकते हैं। लोग पूछे सिलेंडर कहाँ रखे हैं, सिलेंडर के लिए बाहर रखा हुआ है। बाकी कैसा लगा जरूर बताइएगा, थैंक यू वेरी मच, बाय।